कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग, भूपेश आनंद मैं आपके सामने आज एक नई चीज लेकर आया हूं। दोस्तों आज हम नया कंसेप्ट, नया चैप्टर और नया इतिहास रच देंगे। बेटे मैंने आपको अभी तक दो चैप्टर्स ही कराए हैं। एक तो मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन कराया बेटे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, और उसके 28 लेक्चर्स लिए, 28 लेक्चर्स खाली अकाउंटिंग इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। और बेटे उसमें क्वेश्चंस भी किए। उसके बाद मैंने जनरल एंट्रीज कराई और उसके 19 लेक्चर्स लिए बेटे जनरल एंट्रीज में, और आपको बताया कि किस तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को। लेकिन अब हमें कुछ और आगे जाना है। जैसे आप कभी माता रानी के दरबार गए हो तो बेटे पहले चरण पादुका आती है, फिर सांझी छत आती है, फिर हाथी मत्था आता है, और बेटे हमें पहुंचना तो भवन पे है, माता रानी के दर्शन करने हैं। तो अब हम सांझी छत भी छोड़ चुके हैं, हाथी मत्था की तरफ चल रहे हैं, हमें मां से मिलना है। मैं क्या कहता जा रहा हूं, सब कुछ अभी बताऊंगा। शायद आप ये लेक्चर मेरा पहली बार ही देख रहे हैं, तो मैं उन स्टूडेंट्स को जरूर कहूंगा, दोस्तों अगर आप मेरा ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो आप बीच में देख रहे हैं मुझको, आपको मेरे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन के वीडियोस जो मैंने यूट्यूब में ऑलरेडी डाले हुए हैं, जनरल एंट्रीज के वीडियोस जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में डाले हुए हैं, आपको पहले उन सभी वीडियोस को ध्यान से देखना चाहिए। एटलीस्ट दो दो तीन तीन चार चार बिगिनिंग के ये जितने भी मैंने डाले हैं बेटे, अगर आप देख लेंगे और फिर इस लेक्चर को करेंगे तो शायद आपको ज्यादा समझ आएगा। क्योंकि बेटे ये चैप्टर, ये लेक्चर, ये जो बात आज मैं बताने वाला हूं, इसका मोहब्बत, इसकी मोहब्बतें, इसका इश्क, इसके ढाई अक्षर बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर से हैं, जनरल एंट्रीज के चैप्टर से हैं, और एक बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर मैंने कराया था। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है बेटे, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, वो सारी बातें मैंने बताई थी। इसका मतलब आपको पहले मेरे तीन चैप्टर्स के जितने भी मैंने वीडियोस डाले हैं यूट्यूब में बेटे, पहले उसका ज्ञान प्राप्त करना है, आप उसके बाद ही ये लेजर वाला आज का जो लेक्चर देखेंगे आपको ज्यादा समझ आएगा। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मैंने लास्ट के तीन लेक्चर्स में 40-50 लेक्चर्स में चैप्टर्स तीन है, लेक्चर्स 40-50 है बेटे, ये है प्यार, और काफी हद तक मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दिया, तो मैं उनकी एक बार आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा, क्योंकि तभी आपको समझ आ सकता है। क्योंकि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहली बार आज मेरा यही लेक्चर यूट्यूब में ओपन किया है शायद ना भी समझ आए। तो आइए मैं पहले आज आप एक हेडिंग दो अपने रजिस्टर, जो मेरे पुराने बच्चे हैं जो मेरे को ऑलरेडी देख रहे हैं, जो ऑलरेडी जनरल एंट्रीज कर चुके हैं, जो मेरे महान बच्चे हैं, महान देश के महान बच्चे बेटे, वो रजिस्टर तो खोल लें। जो आज जिन्होंने ज्वाइन किया वो खाली देखें, लेकिन पुराने स्टूडेंट्स एक बार बेटे खोल के ना हेडिंग लिख दें, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। मैं इसको नया चैप्टर का नाम दूंगा, भले आपकी बुक में आपकी स्टडी में इसको एक स्टेप दिया है, बट भूपेश आनंद इसको माइक्रोस्कोप की नजर से देखेगा और फोकस कर देगा बेटे लेजर अकाउंट्स होते क्या है। तो आज के चैप्टर का नाम है लेजर अकाउंट्स। तो आइए हम कहानी किस्मत की थोड़ी सी शुरू करें कि है क्या लाइफ में, ये चीज आई कहां से। बेटे मैं आपको कुछ पीछे लेके चल रहा हूँ, आज से कुछ 10-12-15-20 साल पुरानी बात करूंगा, और मैं ये कहूंगा कि मैंने आपको एक बात की कहनी है कि आप बहुत छोटे थे उस समय और आपको ये पता भी नहीं था कि अकाउंटिंग करके कोई सब्जेक्ट भी आपको आने वाले दिनों में पढ़ने वाला है, आप पढ़ेंगे, ऐसा आपको ज्ञान नहीं था बेटे, बहुत ना समझते, प्यार से आप खेलते थे, खुश रहते थे, जॉली नेचर के थे, चेयरफुल नेचर के थे, अचानक आपने अकाउंटिंग को सुना और अकाउंटिंग आपका सब्जेक्ट बन गया। अब अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, क्या है
बेटे अकाउंटिंग 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 का मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग अकाउंटिंग को कैसे करते हैं बेटे, ये कुछ सवाल कैसे 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 बेटे अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सवाल आपके जहन में आपके माइंड में जरूर आ रहे होंगे। तो मैं आज का ये लेक्चर आपको थोड़ा सा उस बात को बताने में लगाऊंगा। वैसे अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए तो मेरा पहला चैप्टर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जिसमें मैंने थ्योरी थ्योरी बताई है उसको करना चाहिए। बट स्टिल बेटे कहानी उस जमाने की है जब हम अकाउंट्स की बातें करनी शुरू कर रहे थे और मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि एक ओनर होता है और एक बिजनेस होता है और ओनर और बिजनेस हम दोनों को अलग अलग व्यक्ति मानते हैं, अलग अलग पर्सन मानते हैं एज पर बिजनेस एंटिटी अजम्पशन। बेटे बड़ी डिटेल में बताया था कि बिजनेस एंटिटी अजम्पशन होती क्या है। फिर मैंने बताया धीरे धीरे कि अगर ये ओनर अपनी जेब से कुछ पैसे इस बिजनेस में ऐड करता है, इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उसके बाद होगा क्या, इस बिजनेस में इस बिजनेस को शुरू करेगा, इस बेटा इस जब बिजनेस शुरू होगा तो कुछ ना कुछ इसमें क्या होगी, इवेंट्स होंगे, कुछ घटनाएं घटेंगी हाँ, कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी। आप ये बताइए एक धंधा क्यों शुरू किया जाता है। जेके टायर्स का नाम आप सबने सुना है बेटे, वो कंपनी टायर बनाती है। आप ये बताइए कि टायर बनाने के लिए वो रबड़ खरीदती होगी, रबड़ खरीद कर वो प्रोडक्शन करती होगी, फिर टायर बनाती होगी, फिर ट्यूबलेस टायर बनते होंगे, एडवर्टाइजमेंट करती होगी, फिर सेल करती होगी, उसके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। इसका मतलब एक कंपनी को एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें बड़ी सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं। बेटे सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले आप हजारों तरह की एक्टिविटीज करते हैं और उस एक्टिविटीज का कुछ परिणाम भी होता है। तो मैं अभी उस परिणाम की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बिजनेस एंटिटी, एनी कॉर्पोरेट एंटिटी बेटे हैज टू डू सम ट्रांजैक्शंस, हैज टू डू सम एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, कुछ इवेंट्स होंगे, कुछ परचेस होगी, कुछ सेल होगी, कुछ एक्सपेंस होंगे, कुछ लॉसेस होंगे, कुछ इनकम्स होंगी, कुछ गेन्स होंगे, कुछ एसेट्स खरीदे जाएंगे, कुछ लाइबिलिटीज लेके। बेटे दुनिया में आया तो सारा काम करना है। भगवान कृष्ण ने यही तो अर्जुन को बोला था, अर्जुन सब कुछ करना है अर्जुन, लेकिन लिमिट में करना है बेटे। तो आपको भी मैं यही कह रहा हूं कि जब आप बिजनेस को शुरू करेंगे तो अलग अलग तरह की चीजों की आपके रोज ट्रांजेक्शंस होनी स्टार्ट होंगी, इवेंट होंगे, हादसे होंगे। और बेटे जब ट्रांजेक्शन होंगी तो आपके 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 अकाउंटिंग इक्वेशन, बेटे मैंने बताई थी अकाउंटिंग इक्वेशन में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, बेटे ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। यहां पर चेंजेस आनी स्टार्ट हो जाएगी, कभी कैपिटल में आएगी, कभी लायबिलिटीज में आएगी, कभी एसेट्स में आएगी। जब चेंजेस आएंगी तो बेटे हमें उन ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। एक बच्चा सो रहा था, उसने कहा क्या बोलते हैं मास्टर, मैंने कहा बेटे पहले कमर सीधी करके बैठ फिर बताऊंगा क्या बोलता हूं। मैं बोलती दैट ऑल दोज एक्टिविटीज विच अफेक्ट माय अकाउंटिंग इक्वेशन, ईदर एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल और ऑल द थ्री और द टू और वन, एनी वन कॉम्पोनेंट, टू कॉम्पोनेंट और थ्री कॉम्पोनेंट, दैट एक्टिविटी इज नेम्ड एज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड आई हैव टू रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन, और मुझे उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि मैं उस बिजनेस का अकाउंटेंट हूं। अब रिकॉर्ड करने के लिए बेटे मुझे एक प्रोसेस, बेटे किसी भी चीज को हम करते हैं तो एक प्रोसेस होता है। पिज्जा आप खाते हैं डोमिनोज का, चाहे आप किसी भी तरह की टॉपिंग लगा लें, आप वेजिटेबल की टॉपिंग ज्यादा लगवा लें, चीज लगवा लें, कुछ भी कर लें बेटे, कॉम्बो ले लें बेटे, पिज्जा बनने का एक प्रोसेस है। आप
उस प्रोसेस से ही आपको गुजरना पड़ेगा, मतलब पहले पिज्जा बेस आएगा, उसके बाद उसके ऊपर जो टॉपिंग्स लगेंगी या चीज लगेगी, या उसके बाद आपने कुछ एक्स्ट्रा कुछ उसमें लगवाया तो एक्स्ट्रा वो लगेगा, फिर अगर पैन पिज्जा है तो पैन वाली मशीन में जाएगा, फिर उसके बाद कुछ पीरियड के बाद जब वो बन जाएगा तो बेटे वो पैक होगा बॉक्स में, उसके बाद आपको दिया जाएगा, फिर उसमें चिलीज रखी जाएंगी, ऑर्गेनोज रखी जाएंगी, टोमेटो सॉस रखी जाएगी। बेटे यही है ना, पिज्जा बनाने का एक प्रोसेस है ना। आप ये बताइए, हमारी इस दुनिया में किसी भी चीज को हम करते हैं तो उसका एक प्रोसेस है। आप एग्जामिनेशन देंगे तो उसका एग्जामिनेशन का एक प्रोसेस है। आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे, रोल नंबर आएगा, आपको आपको एक सेंटर अलॉट होगा, उसके बाद आप पेपर देने जाएंगे, फिर वो चेक होगा, फिर आपके मार्क्स आएंगे, फिर एवरेज देखेंगे, फिर एग्रीगेट आएगा, और रिजल्ट वाले दिन आपको रिजल्ट डिक्लेयर होगा। बेटे इस दुनिया में कोई भी चीज आप देख लो, बिना प्रोसेस के हो ही नहीं सकती। इसी तरह से आप मुझे बताइए, जब आपने एक धंधा शुरू किया, धंधा, हाँ बेटे, बनिया की भाषा है, धंधा को धंधो बोलते, धंधो धंधो। हाँ, एक मूवी आई थी गल्फा, मैं तो कहूंगा कि आप प्लीज वो एक बार मूवी जरूर देखें, गल्फा बहुत प्यारी मूवी थी। आपको धंधो के बारे में पता चलेगा कि धंधा होता क्या है, बनिए की नजर से क्या है, कैसे धंधा चलाया जाता है। बेटे कम्युनिटी है हमारे हिंदुस्तान में, हिंदू कम्युनिटी है, जो बहुत बढ़िया अच्छा काम करती है बिजनेस को लेकर, उसको हम जनरली बोलते हैं बनिया कैटेगरी। लेकिन इसमें कुछ मैं ये नहीं कहना चाहता कि बनिया कैटेगरी अच्छी गंदी है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं दे रहा, मैं तो जस्ट वैसे बात यूज कर रहा हूं। मैं अब आपसे ये कह रहा हूं कि जब एक लाला जी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में कुछ एक्टिविटीज होने लगी और उन एक्टिविटीज से कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस होने लग गई, क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस क्या कर रही थी, कैपिटल लायबिलिटीज या एसेट्स में से कुछ चेंज लेकर आ रही थी। अच्छा, तो बेटे अब क्या होगा, इनको रिकॉर्ड करना है बेटे, तो मेरे को एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। बेटे मैंने कहा हर चीज का प्रोसेस होता है, आप कोई सब्जी बनाते हैं तो उसका प्रोसेस है, मैंने अभी अभी बताया डोमिनोज पिज्जा का प्रोसेस है। इसी तरह से हम अकाउंट्स में बेटे एक अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करेंगे। मैंने बड़े डिटेल में जब अकाउंटिंग प्रोसेस करवाया था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाले चैप्टर में, मैंने बड़े डिटेल में बताया था व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस, हाउ व्हाट आर द स्टेप्स, आज भी बताऊंगा। लेकिन बेटे हमारा आज ट्रेलर होगा, क्यों, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम अकाउंटिंग प्रोसेस थोड़ी है बेटे, आज हमारा नाम है लेजर, हमें लेजर्स बनाने हैं, मेरे को लेजर की इंपॉर्टेंस बतानी है, मुझे लेजर के बारे में बताना है। बेटे मैं लेकिन फिर भी आपसे प्यार करता हूं तो मैं सारा बताऊंगा। मैं अब आपसे ये कह रहा हूं कि अगर किसी भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शंस, कोई चीज, कोई एक्टिविटी, कोई इवेंट ऐसा हो रहा है जिससे उस अकाउंटिंग इक्वेशन में चेंज आएगा, तो हम उसको बोलते हैं ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसको अब रिकॉर्ड करना है और इसके लिए हमें अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करना है। तो सवाल आता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस होता ही क्या है। बेटे अकाउंटिंग प्रोसेस में मैंने कहा जी पहले पहला स्टेप होगा, 6-7 स्टेप्स हैं, ध्यान से अगर आप देखें। अब कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं, बेटे क्या करें, लाइफ है, उनको लग रहा है फ्री का यूट्यूब का चैनल है, बातें कर लेते हैं, लेकिन वो बेवकूफ हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बेटे जो करना है 100% करना है, बिल्कुल कमर सीधी। मैं कहता हूं ट्रांजैक्शंस का होना पहला स्टेप है, क्यों, क्योंकि बड़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज भी होंगी जो ट्रांजैक्शंस का रूप नहीं लेंगी। तो पहली बात, ट्रांजैक्शन का या इवेंट का होना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का या इवेंट का होना जरूरी है, क्योंकि उसी से मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन में बदलाव आएगा। अब बेटे अगर है तो मुझे उनको सबसे दूसरी बात रिकॉर्ड करना है। अब सवाल आता है रिकॉर्ड क्यों करना है, ये मैंने बताया हुआ बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग में कि हम रिकॉर्ड क्यों करते हैं, इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे हमारी मेमोरी रिप्लेस हो जाती है, इससे हमारे को एक डायरी में हर चीज बनी बनाई मिल जाती है, इससे कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, वो मैंने सारी बातें एडवांटेजेस ऑफ
अकाउंटिंग के बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर में उसके अंदर एक लेक्चर लिया था एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, वहां बताया था। अभी मेरी बात को आप ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से सुन नहीं रहे। मैंने कहा ट्रांजैक्शन हुई उसको रिकॉर्ड करना है। बेटा रिकॉर्ड करने के लिए मैंने अभी अभी आपको पता ही है, आप सब ने मेरे सारे चैप्टर्स अटेंड किए हैं, तो बेटे हम क्या करते हैं जर्नल बुक बनाते हैं और एक सब्सिडरी बुक भी बना लेते हैं। सर ये क्या होती है? बेटे ये मैंने जर्नल के 19 लेक्चर लिए हैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कौन से मेथड्स होते हैं, कैसे बनाते हैं। बेटे मैं फिर बताऊंगा, जब भी आप भी बताइए मुझे ईमानदारी से, भगवान ना करे कि किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, मगर मान लेते हैं रामलाल को किसी वजह से जाना पड़ गया, तो हॉस्पिटल में सबसे पहले वो इमरजेंसी वार्ड में जाएगा, इमरजेंसी वार्ड में जाएगा। हाँ इसी तरह से बेटे वहां डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज होंगी, वो उसकी जांच पड़ताल करेंगी, कहां प्रॉब्लम है, किसमें प्रॉब्लम है, कौन सी चीज दिक्कत है, अलग अलग टेस्ट करना शुरू कर देंगी। बिल्कुल उसी तरह से जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी तो पहला काम होगा आपको उसको उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, और वो ट्रांजेक्शन सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड जर्नल है। बेटे हम एक बुक बनाते हैं, बेटे हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। बेटे इसमें तीन मेथड्स होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड है, यूरोपियन मेथड है, अमेरिकन मेथड है, और एक मैंने बताया बेटे बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और कई बार हम कुछ की सब्सिडरी बुक्स भी बनाते हैं। ट्रांजेक्शन हुई, घटना घटी, जैसे कहते हैं ना बेटे आगे तीव्र मोड़ है, ध्यान हटा दुर्घटना घटी, मतलब आपका ध्यान अगर हट गया तो दुर्घटना हो सकती है। बट मैं यहाँ पे कह रहा हूं एक घटना घट गई, अब उस घटना को रिकॉर्ड करना है। हम रिकॉर्ड या तो जर्नल की बुक में करेंगे या सब्सिडरी बुक्स में करेंगे। अब बेटा रिकॉर्ड कर दिया, हाँ आपकी मम्मी या आप बाजार में गए, सब्जी मार्केट में सब्जी लेने गए, एक ही थैला ले गए, बेटे पॉलिथीन तो बंद ही हो गए, एक ही थैला ले गए, उसी में टमाटर, उसी में आलू, उसी में प्याज, उसी में सेब, उसी में केले, उसी में संतरे सब खरीद लिए, आंवले भी खरीद लिए, हरी मिर्च भी खरीद ली, पुदीना धनिया भी खरीद लिया एक ही थैले के अंदर। तो जो जो आया पहले हमने जर्नल एंट्रीज पर रिकॉर्ड करते गए, सब्सिडरी बुक्स में करते गए, लेकिन बेटे वो थैला इतना बड़ा बन गया और इतना मोटा सा हो गया, अब कुछ दिख ही नहीं रहा कि उसमें टमाटर कितने थे। टमाटरों को तो ऊपर रखना था क्योंकि टमाटर नीचे होंगे तो बेटे दब जाएंगे। अब घर जब आते हैं आप या आपकी मम्मी, तो बेटे उस थैले को उड़ेल देते हैं, उल्टा कर देते हैं, सारा सामान बाहर निकाल देते हैं, और बेटे टमाटर एक जगह रख देते हैं, प्याज एक जगह रख देते हैं, आलू एक जगह रख देते हैं, सब्जियां एक जगह रख देते हैं, और ऑरेंज एक जगह रख देते हैं, मतलब अलग 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 सामान को अलग अलग रख देते हैं। पहले इकट्ठे थे, जनरल एंट्रीज में हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं, जनरल एंट्रीज में हम डबल इफेक्ट लेते हैं, हम एक अकाउंट को डेबिट करेंगे, एक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और उसकी नरेशन लिखेंगे, दो साथ साथ काम चलते हैं, दो अकाउंट साथ साथ चलते हैं। बेटे हम साथ साथ हैं, जनरल एंट्रीज में एक कीवर्ड, एक अमाउंट, एक अकाउंट दूसरे से रिलेट करता है। लेकिन बेटे जब हमने सब्जी खरीद ली और घर उड़ेल दी, उसको अलग अलग कर दिया, तो बेटे हम इसको कहते हैं हमने सब्जियों को क्लासिफाई कर दिया। एक बच्चा कह रहा स्पेलिंग ठीक नहीं लिखा, नहीं बेटा ठीक है, आपको दिख नहीं रही कोई बात नहीं, CLASSIFY क्लासीफाई मतलब अलग अलग करना। तो बेटे क्लासीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। बिल्कुल आराम से बेटे मैं अभी लेजर के बारे में नहीं बता रहा, अभी मैंने लेजर के बारे में बताना है। मैं बताऊंगा कि लेजर बनाने की जरूरत ही क्यों आन पड़ी, सब बताऊंगा बेटे, आप बस एक दो मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं आपसे कह रहा हूं इस समय मैं पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूं। बेटे मूवी स्टार्ट हुई तो कास्टिंग शुरू होती है, प्रोड्यूस बाय, डायरेक्टेड बाय, हीरो हीरोइन, और लास्ट में आता है द एंड। बेटे वो पूरा प्रोसेस है ना, मुझे पहले एक बार प्रोसेस तो बताने दो, फिर मैं बीच के एक सीन के बारे में बताऊंगा जहां पे कैटरीना के गाना गा रही है शीला की जवानी, अभी देखेंगे बेटे, सब देखेंगे। आप ये बताइए जी,
क्या यहां तक बात समझ आ गई? पहले ट्रांजैक्शंस होती हैं, फाइनेंशियल पहले एक्टिविटीज होती हैं, उनमें से कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसके बाद उनको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड जर्नल बुक में करते हैं या सब्सिडियरी बुक में करते हैं, उसके बाद जब वो मोटा थैला बन जाता है तो जर्नल बुक से हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करना शुरू करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, आलू टमाटर मिर्च आंवला अलग अलग कर देते हैं। बेटे इसको बोलते हैं लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करना। और जब हम लेजर अकाउंट्स बना देते हैं, वैसे हिंदी में पता है बोलते हैं इसको खाते बनाना, खाते बनाना, हाँ खाता। बेटे खाता टी फॉर्म का होता है, अभी देखेंगे खाते का मतलब क्या है। अभी मैं आपसे कह रहा हूं हम लेजर बनाते हैं, लेजर बनाने के बाद हम उसमें से कुछ बैलेंसेस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं सब देखेंगे, क्यों निकालते हैं अभी देखेंगे। बेटे क्लासिफाई करने के बाद हम उसको समरी बनाते हैं। बेटे जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ते थे, जब अभी भी पढ़ते हो तो आप एक चैप्टर पढ़ा आपने, उसके नीचे लिखा होता है सारांश, मतलब इस पूरे चैप्टर का आपको क्या समझ आया संक्षिप्त में समरी। बेटे इसी तरह से अकाउंटिंग प्रोसेस में आपने जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जनरल बुक में या सब्सिडरी बुक में, उसके बाद उन्हीं ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई किया लेजर अकाउंट बनाकर और उनके बैलेंसेस निकाले, तो उसके बाद हम उसको समरी करते हैं, समरी बनाते हैं। बेटे बेटे मुकेश अंबानी को इतनी सारे थोड़ी बताएंगे, उसको तो समरी बताएंगे, नीता को, मुकेश को, रामदेव पतंजलि के हेड को। बेटे हम क्या मोटी मोटी चीजें बताएंगे, उसके लिए समरी बनानी पड़ती है। बेटे समरी का मतलब क्या है कि पूरे वर्ष जो भी ट्रांजैक्शंस हुई, लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस हुई, उन सबकी जर्नल एंट्रीज पास हुई, सब्सिडरी बुक्स में आई, उन सबके खाते बने और खाते सबके अलग अलग बने। बेटे खाते जो होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। बेटे ये इंडिपेंडेंट होते हैं और जनरल एंट्रीज जो आप बनाते हैं बेटे ये डिपेंडेंट होती है, जनरल एंट्रीज डिपेंडेंट होती है। मैं फिर रिपीट करता हूं, अभी देखेंगे ना, आपको टेंशन लेते हो। आप ये बताओ कि आपको यहां तक समझ आ गया, लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, खाते बनाते हैं, समरी बनाते हैं। सर अगर इसका एक फ्लो चार्ट बढ़िया सा बना देते ना। बेटे बनाया है, अभी दिखा रहा हूं, आप पहले मोटा मोटी बात तो समझ लो। बेटे समरी कैसे बनाई जाती है आप ये बताइए जी, आप ये बताइए, आप जब एक स्कूल में थे, एक क्लास से दूसरी क्लास में जब पास होते थे तो पूरे वर्ष आपने क्या किया, आपके फर्स्ट टर्मिनल में कितने नंबर आए, सेकंड में कितने आए, थर्ड में कितने आए, फाइनल में कितने आए, म्यूजिक में क्या किया, गेम्स में पार्टिसिपेट कितना किया, इस सब की एक समरी बनाई जाती थी और उस समरी को आपके पेरेंट्स को दिया जाता था और उसी समरी से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते थे कि एक बच्चा कहां स्टैंड हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं मैं समरी बना रहा हूं, समरी किसकी, लेजर अकाउंट्स की, जो मैंने बनाए उनके बैलेंसेस निकालने के बाद हम उसकी एक समरी बनाएंगे। समरी कैसे बनाएंगे बेटे, हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, हम बैलेंस शीट बनाएंगे। सर ये क्या होती है सब देखेंगे आप, मानो कि आपको पता है, एक सेकंड के लिए मैंने सब बता रहा है। बेटे हम इसको एक नए चैप्टर के थ्रू करेंगे, इसको एक अलग से चैप्टर के थ्रू करेंगे, आप क्यों घबरा क्यों रहे हो। मैंने कहा हम समरी बनाएंगे और बेटे जब समरी बनाएंगे, रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, तो बताइए क्लास टीचर रिपोर्ट कार्ड के अपने पास रखेगी या आपके पेरेंट्स को देगी उस कयामत वाले दिन जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो। आपका इतना छोटा सा मुंह होगा और आपके पेरेंट्स आपके साथ जाएंगे, आप डरे हुए होंगे, आपके दोस्त के भी पेरेंट्स आ रहे हैं, उस दिन आप बहुत शरीफ हो जैसा काम करोगे, आप इनोसेंट बनोगे, जबकि आपको पता है कि पूरे वर्ष आपने हिसाब किताब खराब किया। बेटे बेटे वो समरी कम्युनिकेट होगी, कम्युनिकेट होगी, हाँ बेटे कम्युनिकेट का मतलब है आपकी क्लास टीचर आपकी एनुअल रिपोर्ट, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपका प्रॉफिट एंड लॉस बेटे कम्युनिकेट कर देंगे किसको, यूजर्स को। पहले यूजर्स कौन, पेरेंट्स, ब्रदर घर में जाओगे, सिस्टर, दादा दादी, चाचा चाची, बड़े पापा छोटे पापा, पापा ही पापा, बड़ी मम्मी छोटी मम्मी, मम्मी मम्मी। बेटे ज्वाइंट फैमिली होगी तो कितनी सारी मम्मी होती है, कितने सारे पापा होते हैं,
अभी कोई बाहर से आए वो तो कंफ्यूज ही हो जाए कि इसका असली पापा कौन है, किसी को पापा ही पापा बोलता जा रहा है। बेटे जॉइंट फैमिली में अगर आप रहते हो तो रहने का मजा ही अलग है। अब कम्युनिकेट होगा और उसके बाद बेटे एनालिसिस होगा, एनालिसिस, हाँ एनालिसिस होगा कि इस बच्चे ने कहां कहां पर या इस बिजनेस ने, इस धंधे ने पिछले साल के कंपैरेटिवली इस बार प्रॉफिट ज्यादा कमाया या कम कमाया, या कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिका या कौन सा प्रोडक्ट कम बिका, या ये स्टूडेंट पिछली सिक्स क्लास में कैसा था, अब सेवंथ में कैसा है, इसकी इंग्लिश कमजोर है या मैथ्स अच्छा है, इसका स्पोर्ट्स में रुचि है या म्यूजिक में रुचि है। बेटे वी कैन एनालाइज, वी कैन इंटरप्रेट, तो यही काम हमने अकाउंट्स में करना है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं फिर रिपीट करूंगा, पहला स्टेप है एक्टिविटीज का होना, उसमें से ट्रांजैक्शंस का ढूंढना, उनको रिकॉर्ड करना, उनको क्लासिफाई करना, उनकी समरी बनाना, उसके बाद कम्युनिकेट करना, और फिर उस कम्युनिकेशन के बाद सबके विचारों को सुनना, एनालिसिस। बेटे रेशो बनेगी, रेशो कैलकुलेट करेंगे, एनालिसिस होगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं। बेटे डॉक्टर एकदम थोड़ी दवाई दे देता है, आपसे बातें करता है, आपको देखता है, आपकी सारी बातों को लिखता है, कुछ वो वहां पर ही टेस्ट करता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है, ईसीजी चेक करता है, और वो लिखता रहता है, 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 और ऐसी हैंडराइटिंग में लिखता है कि आपको समझ ही नहीं आता। फिर धीरे धीरे आपको बताता है कि भाई आपको इस तरह की बीमारी है और ये दवाइयां हैं, कम्युनिकेट करता है, रिपोर्ट बनाता है। बेटे एक प्रोसेस फॉलो करता है ना, बिल्कुल उसी तरह से एज अ अकाउंटेंट आपको किसी भी बिजनेस का एक प्रोसेस फॉलो करना है। अब बेटे ये प्रोसेस फॉलो करने के लिए मैंने आपके कहने पे बड़ी मेहनत से क्या किया है, बेटे उस अकाउंटिंग प्रोसेस को चित्र की भाषा में बताया। कहते हैं जो चित्र होते हैं ना बेटे, जो फ्लो चार्ट होते हैं, जो ड्रॉइंग्स होती है, वो माइंड में ज्यादा घुसती है अंदर। तो बेटे मैंने फोटोज बनाई है, मैंने सीए किया, मैंने सीएस किया, आईसीडब्ल्यू किया, लंदन के डिप्लोमास किए, अमेरिका के डिप्लोमास किए, अभी भी बहुत कुछ कर रहा हूं, लेकिन इन सभी चीजों में एक बात का मैंने बहुत ध्यान रखा, क्या, कि मैंने फ्लो चार्ट्स बनाए, डायग्राम्स बनाए, अपने घर के नोट्स में भी, और जब मैं एग्जामिनेशन में देता था पेपर, बड़े पेपर दिए बेटे जितने मैंने दिए होंगे और किसी ने दिए नहीं होंगे, क्योंकि मेरा सपना है कि मैं लुम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दाखिल करूं। मैक्सिमम डिग्रीज हैं तो भूपेश आनंद के पास है। तो बेटे मैंने एक डायग्राम प्रिपेयर किया है, उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ बना रहे हैं, कमर सीधी करके बैठे हैं, ढीले ढीले नहीं बैठे। बेटे हम चैप्टर का नाम कर रहे हैं लेजर, लेकिन मैं लेजर नहीं बता रहा, अभी तो लेजर में पहुंचने वाला हूं। माना कि इस मूवी में आलिया भट्ट है, लेकिन अभी मैंने बाकी सभी हीरो हीरोइन बाकी सब चीजें बताई है, धीरे धीरे मैं आलिया भट्ट के पास आऊंगा और मैं आलिया भट्ट से बातें करूंगा, मैं आलिया भट्ट का फॉर्मेट बताऊंगा, मैं आलिया भट्ट का नेचर बताऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि आलिया भट्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बनाते हैं लेजर अकाउंट्स। बेटे उसके लिए आपको सबसे पहले इस चित्र को बनाना है, आइए हेडिंग लिखिए फ्लो चार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, सभी बच्चे लिखेंगे फ्लो चार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, फ्लो चार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। बेटे पहला स्टेप, बेटे पहला, ये देखिए जी मैंने पहला नंबर डाला है, पहला 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 स्टेप है आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। बेटे बड़ी सारी एक्टिविटीज हो रही है आपकी, आपके माइंड में हर रोज बहुत सारी थॉट्स आती हैं, आप सारी थॉट्स को थोड़ी एक्शन में कन्वर्ट कर देते हो, तो हम यहाँ पर यही कर रहे हैं। एक बिजनेस बड़ी सारी एक्टिविटीज कर रहा है, लेकिन वो सारी एक्टिविटीज ट्रांजैक्शंस नहीं है, वो सारी एक्टिविटीज इवेंट नहीं है, वो सारी एक्टिविटीज से अकाउंटिंग इक्वेशन में चेंज नहीं आएगा। तो हमने सबसे पहले वो एक्टिविटीज देखनी है जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में चेंज लेकर आ जाती हैं, उनका नाम है ट्रांजैक्शंस।
कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोल देता है, कोई इवेंट बोल देता है, कोई बात नहीं बेटे, भगवान कृष्ण के कितने सारे नाम थे, मीरा किसी नाम से बोलती थी, राधा किसी नाम से पुकारती थी, अर्जुन किसी और नाम से पुकारता था, है तो भगवान कृष्ण ही ना। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, मैंने पहला रेक्टेंगल बनाया बेटे, आप भी इसी तरह से शेप दें ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर स्टेप वन के बाद हम आगे ट्रायंगल में, दूसरा स्टेप बेटे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। और बेटा रिकॉर्डिंग के लिए दो बुक्स का हम इस्तेमाल करेंगे, एक तो जर्नल बुक जिसके मैंने 19 लेक्चर दिए जर्नल एंट्रीज, और एक सब्सिडरी बुक्स, हम सब्सिडरी बुक्स भी बनाएंगे, अभी बताऊंगा बेटे। बेटे पहला स्टेप रेक्टेंगल, दूसरा ट्रायंगल, बेटे ऐसे ही बनाएंगे तो अच्छा है, वैसे तो जो बीच में कंटेंट लिखा वो ज्यादा कीमती है। स्टेप थ्री बेटे, मैंने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया, जर्नल एंट्रीज पास कर दी, एक को डेबिट कर दिया, एक को क्रेडिट कर दिया, और नीचे नरेशन लिख दी, और डेबिट में भी लिख दिया, क्रेडिट में भी लिख दिया, मैंने जर्नल एंट्रीज पास कर दी। फिर उसके बाद मुझे उसको क्लासिफाई करना है, स्टेप नंबर थ्री, लिखे बेटे लिखे क्लासिफाइंग। बेटे जो रिकॉर्ड किया ना ट्रांजैक्शंस, उनको मैंने सॉर्टिंग करनी है बेटे। क्लासिफाई करने का तरीके का नाम क्या है, क्या बोलते हैं बेटे, लेजर बनाते हैं बेटे, उसका टूल है लेजर बनाते हैं, खाते, खाते, हाँ बेटे, हम खाते बनाएंगे और उन खातों से हम उन सभी ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्लासिफाई कर देंगे। फिर उन खातों का बेटा, आज का जो चैप्टर है ना, इन खातों के ऊपर ही है, लेकिन मैं अभी अकाउंटिंग प्रोसेस बता रहा हूँ। फिर उसका हम क्या करेंगे, समरी बनाएंगे बेटे। देखो बेटे चौथा स्टेप बेटे, फोर्थ बेटे, फोर्थ बेटे, फोर्थ बेटे, समरी बनाना है। समरी कैसे बनाते हैं सीखेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, और जब समरी बन जाएगी तो दुनिया को बताएंगे ना बेटे, क्लास टीचर ने सारे पेपर्स चेक कर दिए, नंबर लगा दिए, रिपोर्ट कार्ड बन गई, अब कम्युनिकेट नहीं करेंगे। रिपोर्ट कार्ड का मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एक धंधे ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना नुकसान सहा, क्या बैलेंस शीट है, कितने एसेट्स हैं, कितनी कैपिटल है, कितनी लायबिलिटी है, ये सब बना दिया। उसके बाद बेटे इसको एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस, हाँ बेटे, हम देखेंगे कि इस बिजनेस में, नेरोलैक पेंट्स में, जेके टायर्स में पिछले साल 2019-20 में कितना प्रॉफिट हुआ, 20-21 में कितना प्रॉफिट हुआ, 21-22 में कितना हुआ, 22-23 में कितना हुआ, तो सभी इयर्स की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। तो हमारे पास कुछ टूल्स हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे डॉक्टर के पास होते हैं वैसे अकाउंटेंट के पास हैं, रेशियो निकालेंगे, स्टेटमेंट्स बनाएंगे, और फिर लास्ट में बेटे जेके टायर्स उस सभी रिकॉर्ड्स, उन सभी रिजल्ट्स को एनुअल रिपोर्ट बनाएगा। जैसे आपकी रिपोर्ट कार्ड बनती थी ना स्कूल में, बिल्कुल वैसे ही एवरी ईयर एवरी कॉर्पोरेट एंटिटी हैज टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट कार्ड विच इज नेम्ड एज एनुअल रिपोर्ट, एंड ऑल द रिजल्ट्स, ऑल द प्रॉफिट्स, ऑल द लॉसेस विल बी कम्युनिकेटेड टू शेयर होल्डर्स, टू ओनर्स, टू यूजर्स, टू पब्लिक एट लार्ज। बेटे ये 6 स्टेप्स अगर आप फॉलो कर ले तो मैं समझता हूं अकाउंटिंग प्रोसेस हो सकता है। आप प्लीज फ्लो चार्ट बनाएं, और इसका निमोनिक मैंने लिखा है बेटे, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड थ्रू जर्नल एंट्रीज, क्लासिफाई थ्रू लेजर्स, प्रिपेयर समरी थ्रू ट्रायल बैलेंस, एंड देन एनालिसिस, एंड एट लास्ट कम्युनिकेशन। बेटे मैं आगे चल रहा हूं, मैं अब आ रहा हूं आज के चैप्टर के ऊपर। ये मानते हुए कि आपको जनरल एंट्रीज आ चुकी है बेटे, हमने जनरल एंट्रीज के 19 क्वेश्चंस किए बेटे, पहले क्वेश्चन से लेकर मैं 13 तक गया, 19 लेक्चर किए, और उसके बाद फिर मैंने 25 क्वेश्चन और दिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बेटे पहला क्वेश्चन मैंने यहां से शुरू किया था, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। बेटे मैंने आपको इस क्वेश्चन की एंट्रीज बताई थी, जैसे बड़े सारे ट्रांजैक्शन हैं जनवरी 1 से लेकर 31 जनवरी तक अगर आप देखें तो सो मेनी ट्रांजैक्शन आ गए। जैसे जनवरी 1 में रामलाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000,
मतलब रामलाल ने अपना बिजनेस 50,000 रुपए की पूंजी लगाकर कैपिटल लगाकर स्टार्ट किया। इसकी हमने एंट्री पास की थी, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई थी कि इससे तो कैश आएगा, कैश एसेट है, एसेट बढ़ेंगे, एसेट का डेबिट नेचर होता है, जब एसेट बढ़ेंगे तो हम डेबिट कर देंगे और कैपिटल आएगी, कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल का क्रेडिट नेचर होता है, जब क्रेडिट बढ़ेगी तो क्रेडिट कर देंगे। और बेटे हमने एंट्री पास क्या की थी याद आ रहा कुछ? कैश अकाउंट डेबिट, ये देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमने जनरल एंट्रीज को तीन मेथड्स के थ्रू किया। मैं वो तीन मेथड तो नहीं करा रहा क्योंकि जनरल एंट्री का चैप्टर है बेटा, लेजर बैलेंसेस कर रहा हूँ, लेजर अकाउंट की बातें कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ ये एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगी, ठीक है सर? आगे चलो बेटा, दूसरी ट्रांजैक्शन देखो, जनवरी 4 परचेज गुड्स फॉर कैश ₹7,000। अब हमने ये बुक्स सॉफ्ट कॉपी के थ्रू या हार्ड कॉपी के थ्रू जैसे आपने डिमांड की हमने वैसे दिए आपको। परचेज गुड्स, आपने कुछ गुड्स को खरीदा, गुड्स का मतलब होता है आपने कुछ सामान खरीदा बेटे, हम उसको परचेजेस में लिखते थे याद है। गुड्स एसेट्स होते हैं, एसेट बढ़ेंगे जब आप गुड्स खरीदोगे, एसेट का बैलेंस बढ़ेगा और आपने कैश दिया, कैश कम होगा, इसका मतलब एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है। अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, अगर एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं। बेटे इस ट्रांजैक्शन की भी एंट्री आपने कर करके बूढ़े हो गए बेटे, बड़े सारे क्वेश्चंस कराए मैंने, 13 कराए मेन लॉजिक्स के और 25 कराए एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल। तो बेटे एंट्री क्या हुई? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल। मान लेते हैं मोहनलाल कहां से आ गया बेटे, 4 तारीख की पहले एंट्री करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद हम आगे चले बेटे, जनवरी 5 में आ गए, सोल्ड गुड्स। अब हमने सामान बेचा बेटे, बेटे पहले कैश आया, फिर कैश से सामान खरीदा, फिर सामान को बेचा, फिर कैश आया, पहले आया फिर गया फिर आया। अब देखो जी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000। बेटे अभी ध्यान से समझना, मैं ये सारी बातें लेजर की नेसेसिटी के लिए बता। लेजर क्यों बनाया जाता है, खाते क्यों बनाए जाते हैं, अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं, आप इसको धूल फदूल की बातें मत समझना। आपको जो कह रहा हूं ना ध्यान से सुन लो, कमर सीधी करके बैठो, थप्पड़ मारो खींच के, बिल्कुल सीधा बैठो बेटे, आपका फायदा है कोई मेरा फायदा है इसमें? मैं कह रहा हूं पहली ट्रांजेक्शन में कैपिटल आई कैश के थ्रू, कैश बढ़ गया। दूसरी ट्रांजेक्शन में गुड्स खरीदी, कैश कम हो गया। तीसरी ट्रांजैक्शन में सेल्स बेची, कैश बढ़ गया। चौथी ट्रांजैक्शन देख लीजिए, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहनलाल, आपने अब मोहनलाल से गुड्स उधार में खरीदी। पहले गुड्स आपने कैश में खरीदी थी, अब उधार में खरीदी, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल। बेटे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल, ये देखिए तेरी एंट्री। आप देखिए अगर आप ध्यान से जनरल एंट्री को, तो आपने एक चीज को डेबिट किया है और दूसरी चीज को क्रेडिट किया। बेटे जनरल एंट्री होती ही ऐसे है, जनरल एंट्री में हम दो कीवर्ड्स को लेके चलते हैं, एक कीवर्ड को हम डेबिट करते हैं और एक कीवर्ड को हम क्रेडिट करते हैं। यही हमने सीखा है, चाहे आप यूरोपियन मेथड कर लो, आप चाहे अमेरिकन मेथड कर लो, या आप चाहे भूपेश यादव का मेथड कर लो, बेटे जनरल एंट्रीज में एक चीज डेबिट होगी और एक चीज क्रेडिट होगी। हम दो दो चीजों को साथ साथ लेके चलते हैं। एक मूवी आई थी हम साथ साथ हैं, इसका मतलब परचेजेस भी और मोहनलाल भी साथ साथ हैं और एंट्री बनेगी। अब बेटे इसी तरह से अगर आप ध्यान से देखें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देख लें, सोल्ड गुड्स टू लाला जी, अब हमने लाला जी को गुड्स उधार में बेच दी। ये देख लो, कभी उधार खरीद रहे हैं, कभी उधार में बेच रहे हैं, कभी कैश में खरीद रहे हैं, कभी कैश में बेच रहे हैं। अच्छा ठीक है, पेड वेजेस, उसके बाद आपने 16 तारीख को मजदूर को मजदूरी दे दी, मजदूर को मजदूरी दे दी, हाँ आपने उससे सर्विसेज ली, उससे सेवाएं ली, आपने उसको 4,000 रुपए दिए, कैश कम हो जाए।
लेकिन एसेट नहीं बनेगा, इससे कैपिटल बैलेंस कम होगा। बेटे जब मेरा कैपिटल कम होगा तो मैं कैपिटल को डेबिट करूंगा और मैं उसका कारण लिखूंगा। कारण क्या है, किस वजह से कैपिटल कम हो रही है? बेटे वेजेस की वजह से। तो मेरा नाम आएगा, मेरी एंट्री आएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये देख लीजिए, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। देख लीजिए बेटे, मैं कोई ऐसी बात थोड़ी, कुछ जर्मन लैंग्वेज थोड़ी बोल रहा हूँ बेटे। आपके सामने इतने सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने जर्नल एंट्रीज के, तो सर ये दोबारा क्यों करा रहे हो बेटे? एक मिनट ठंड रख लो, बस एक लास्ट पॉइंट रह गया है। मैं कह रहा हूं अगर आपने ध्यान से सुन ली ना वो बात, तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि लेजर अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं। अभी मेरा सवाल है, व्हाई वी प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स? देन आई विल कम टू अ क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। पहले मैं आपके माइंड में जो बेटे जो कीड़ा चलेगा ना उसको शांत करना चाहता हूं, व्हाई टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। आ रहा हूं मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने अलग अलग ट्रांजैक्शंस पास कर दी, बिल्कुल ठीक की बेटे, एक तारीख से 31 तारीख तक आपने ट्रांजैक्शंस पास कर दी और जर्नल एंट्रीज पास कर दी। ये सारी जर्नल एंट्रीज ही है, क्योंकि आपने पहला स्टेप ट्रांजैक्शंस देगी, दूसरा स्टेप उनको रिकॉर्ड कर दिया जर्नल की बुक में। अब बेटे जैसे रिकॉर्ड किया, आप सुनना ध्यान से सुनना, बात शुरू हो चुकी है, शुरू हो गई। आपने जैसे ही रिकॉर्ड कर दिया जर्नल एंट्री में, जर्नल बुक में, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं 31 तारीख को, 31 जनवरी को बेटे आखिरी दिन था 31 तारीख और आपने आखिरी एंट्री पास कर दी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू लाला जी, मैं आपसे जैसे 31 जनवरी खत्म हुई मैंने आपसे एक सवाल किया। सवाल किया? हाँ, मैंने पूछा अकाउंटेंट ये बता कि आज 31 तारीख को कैश का कितना बैलेंस मेरे पास पड़ा हुआ है, मतलब कैश कितना रह गया है, पूरे महीने मैंने पैसे लिए भी और दिए भी, आए भी और गए भी। बेटे आज अकाउंटेंट मुझे बता दे कितने पैसे रह गए हैं, कैश का बैलेंस तो बता दे अकाउंटेंट। अगर मैं आज 31 तारीख को उससे पूछूं तो बेटे वो कुछ समय लगाएगा। कैसे बेटे? वो क्या करेगा, सारी ट्रांजैक्शंस को देखेगा पहले, जहां जहां से कैश आ रहा है और जहां जहां से कैश जा रहा है बेटे उसको कुछ समय लगेगा, इंस्टेंट नहीं बता सकता बेटे। जैसे इंस्टेंट कॉफी होती है, एकदम कॉफी पी लो आप, जॉर्जिया की या किसी की भी, वो बनी बनाई होती है बेटे, गैस निकलती है, पानी डालते हैं, गर्म होता है, कॉफी का मिक्सचर होता है, कॉफी निकल जाती है। आप इंस्टेंट आपका अकाउंटेंट नहीं बता सकता, उसको कैलकुलेटर का प्रयोग करना पड़ेगा, समय लगेगा कि भाई कैश आया कितना 31 दिनों में, कैश कहां कहां गया, कितना गया, बेटे समय लगेगा। अच्छा मैं अगर आपसे दूसरा सवाल पूछूं, छोड़िए कैश को, मैं आपसे पूछूं कि भाई आपने मोहनलाल से उधार सामान खरीदा और मोहनलाल को आपने कुछ पेमेंट भी किया, अब ये बताओ मुझे आज नेट कितने पैसे मोहनलाल को देने हैं? बेटे में टाइम लगेगा। या मुझे लाला जी से कितने लेने हैं अगर मैंने उनको कोई सामान उधार में बेचा होगा? बेटे ये सारे क्वेश्चंस आप जर्नल एंट्रीज के थ्रू आंसर नहीं कर सकते। हाँ, जर्नल एंट्रीज पास करनी इंपॉर्टेंट थी, रिकॉर्ड करनी इंपॉर्टेंट थी, बट आप डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज के थ्रू उन सभी के नेट बैलेंसेस नहीं निकाल सकते, आपको समय लगेगा। और मान के चलो ये कंपनी है जेके टायर्स, ये तो 31 महीने में 10-12 ट्रांजैक्शंस हुई है बेटे, लाखों ट्रांजैक्शंस हो रही है हर रोज, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, परचेजेस हैं, प्रोडक्शन है, वर्कर्स हैं, सोचिए मारुति सुजुकी को। तो बेटे इतनी सारी ट्रांजैक्शंस का बैलेंस निकालना जर्नल एंट्रीज के थ्रू एक बेटा ऐसा काम हो जाएगा कि अकाउंटेंट को खुद ही बुखार चढ़ जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो बेटे हम क्या करेंगे उन जर्नल एंट्रीज के, हम क्या करेंगे उसके थ्रू हम अब लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, हम क्या करेंगे उनके खाते बनाएंगे, सबका अकाउंट अलग अलग बनाएंगे। जैसे कैश की ट्रांजैक्शंस हो रही है तो हमें कैश अकाउंट अलग बनाएंगे, उन जर्नल एंट्रीज में जहां जहां कैश आ रहा है
वो कैश में इफेक्ट लेंगे, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, और 31 तारीख को उस कैश के खाते का, कैश के अकाउंट का बैलेंस निकाल लेंगे कि हमारे पास कितना बैलेंस आज भी पड़ा है कैश का। तो बेटे हमारे लिए आसान हो जाएगा, लेकिन ये खाता हम नहीं बना सकते थे अगर हम जर्नल एंट्रीज पास ना करते। आप बात समझ रहे हो? तो मतलब हम पहला स्टेप देखेंगे ट्रांजैक्शंस, वो तो ठीक है, दूसरा स्टेप देखेंगे जर्नल एंट्रीज, वो भी ठीक है। बेटे जर्नल एंट्रीज पास होंगी तभी तो हम लेजर अकाउंट बना सकते हैं, और लेजर अकाउंट हर किसी के अलग अलग बनेंगे। मतलब रामलाल का अलग बनेगा, कैश का अलग बनेगा, परचेजेस का अलग बनेगा, सेल्स का अलग बनेगा, लाला जी का अलग बनेगा, वेजेस का अलग बनेगा, सैलरी का अलग बनेगा, मशीनरी का अलग बनेगा, बैंक बैलेंस का अलग बनेगा, लैंड का अलग बनेगा। सर बस करो, हमें समझ आ गया। ठीक है बेटे, इसका मतलब जर्नल एंट्रीज डिपेंडेंट होती है, क्योंकि हम उसमें दो दो अकाउंट लेके चलते हैं, एक को डेबिट करते हैं एक को क्रेडिट करते हैं। लेकिन बेटे जब हम लेजर बनाएंगे तो सबके अलग अलग बनाएंगे, इसका मतलब लेजर अकाउंट इंडिपेंडेंट होता है। बेटे जैसे मैं आपको 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैंने 100 रोल नंबर दे दिए, बेटे सब आप सब मुझे फीस दोगे, तो क्या लगता है मैं सबका अकाउंट अलग अलग बनाऊंगा? किसी ने पूरी फीस दे दी, किसी ने एडवांस में दे दी, किसी ने इंस्टॉलमेंट में दे दी, किसी ने दी नहीं, किसी का नाम गलत था, तो बेटे मैं सबका अलग अलग खाता बनाऊंगा, सबका अलग अलग लेजर बनेगा, सबका अलग अलग अकाउंट बनेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि इस स्टूडेंट रोल नंबर 1 से मैंने कितने पैसे लेने, रोल नंबर 5 से कितने लेने, रोल नंबर 15 से कितना बकाया है, रोल नंबर 25 को मैंने देने हैं या देने हैं अगर उसने एडवांस पैसे दे दिए। बेटे मेरे को सभी के अलग अलग खाते अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि लेजर अकाउंट्स आर इंडिपेंडेंट। मुझे यहां पर बेटे मैं जर्नल एंट्रीज में क्या था, हम साथ साथ हैं, मैरिज थी, बेटे हमने दूसरे अकाउंट को अटकाया हुआ था। हाँ, एक को डेबिट करते थे एक को क्रेडिट करते थे। बेटे यहां किसी को अटकाना नहीं है, डाइवोर्स हो जाएगा, तू अलग मैं अलग, हम साथ साथ नहीं है, अभी सीखेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब पहले आप क्या करें, एक बात पहले लिख ले अपने नोट्स में, और फिर मैं धीरे धीरे आपको गहराइयों तक लेकर चलूंगा कि लेजर क्यों बना रहे हैं। अभी हम उसी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट्स, व्हाई वी वॉन्ट टू क्लासीफाई The recorded entries in general. Why we want to classify? आइए point number 2. बेटे notes में लिखना है ledger. बेटे ledger क्या होता है? Ledger is a book. बेटे इसमें एक book होती है, which containing all types of accounts. Assets के भी, liabilities के भी, capital के भी, expenses के भी, incomes के भी, सभी के कैपिटल अकाउंट्स जब हम एक बुक में बनाते हैं, उस बुक का नाम है लेजर। इसका मतलब लेजर एक आउटर रिंग रोड हो गई, एक आउटर बेटे रिंग रोड हो गई, और उसमें बड़े सारे हजारों तरह के अकाउंट्स होंगे, आएंगे, आ सकते हैं। तो बेटे इसका नाम हो गया लेजर, और इसका नाम हो गया अकाउंट्स। आप मेरी बात को समझ लें, तो लेजर इज अ बुक, जैसे हमने कहा जनरल इज अ बुक, लेजर इज अ बुक विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, आगे चलो बेटे। अब हम इसको बनाते क्यों हैं? बेटे पेपर में तो नहीं आएगा मुझे पता है, लेकिन मैंने अभी अभी आपको जनरल एंट्रीज दिखाई और आपको बताया कि अगर आपको ट्रांजैक्शंस दिए और आप खाली जर्नल एंट्रीज तक पास करते हो तो उसका कोई यूज नहीं है। आप कुछ भी उसका निष्कर्ष, कंक्लूजन, यू कैनॉट कैलकुलेट एनीथिंग यू नो जस्ट बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज। यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंसेस, यू हैव टू कैलकुलेट द बैलेंसेस, एंड फॉर कैलकुलेटिंग द बैलेंसेस यू हैव टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स, एंड दैट्स व्हाई देयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स।
and the summary and the bundle of all accounts is being recorded in a book named as a ledger book. So ledger is a book which contains different types of accounts. And it is very important to prepare accounts and a separate account for a separate item, because I want to find out the balance of each and every account separately, that how much is the balance left. For example, how much is the cash balance left? How much is the bank balance left? How much is the furniture amount? How much is wages? How much is machinery? How much is land? Because of all these reasons, I have to prepare a ledger account. So please write down my point number 3. Why there is a need of preparing ledger accounts. First point. It will be difficult to calculate accurate balances of different accounts with the help of journal entries. You know, beta, abhi tak mera gala dard ho raha hai. Aapko maine abhi ek example dikhaya. First question dikhaya journal entries ka. Uska answer bhi niche likha tha. Phir maine aapko journal entries se pass kar di. और अचानक मैंने पूछा, भैया इसका बैलेंस बता, किससे लेने हैं, कितने लेने हैं, कहां से लेने हैं, क्यों लेने हैं, कितनी बार आए, कितनी बार गए। आप जर्नल एंट्रीज के थ्रू कुछ नहीं बता सकते, तो आपको एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। तो पहला रीजन है आपको, फर्स्ट रीजन है, इट विल बी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एक्यूरेट बैलेंसेस ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज। ठीक है जी। Second, how much, मैं आपसे पूछूं, how much is the cash balance, my dear accountant, as on 31st January? You cannot answer my question instantly. If I ask you, as an owner of the business and your accountant of the business, my dear accountant, how much is the debtor's balance at the end of the accounting period? You cannot answer me. How much is the creditor balance? You cannot answer me. So to answer all these questions, It is necessary to prepare account, and the mixture of all accounts is named as a ledger. And please write down the format of a ledger. बेटे ledger का एक format होता है। आप ये बताइए, आप mango shake पीते हैं? गर्मियों में तो पीते होंगे। बेटे mango shake बनाने का एक तरीका है। क्या? आम होना चाहिए, दूध होना चाहिए, चीनी होनी चाहिए, थोड़ा फ्लेवर होना चाहिए, थोड़ा सा बर्फ होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा चेरी होनी चाहिए, हैं, कांच का ग्लास होना चाहिए, स्ट्रॉ होनी चाहिए, मिक्सी होनी चाहिए। बेटे तभी तो बनेगा। बेटे शाही पनीर कभी खाया है? शाही पनीर को बनाने का भी एक फॉर्मेट होता है। बेटे मसाला डोसा तो खाया होगा। मसाला डोसा आप दिल्ली में खाए, करोलबाग में खाए, कनॉट प्लेस में खाए, कन्याकुमारी खाएं, बेटे एक फॉर्मेट है मसाले डोसे को बनाने का। इसी तरह से इस दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी भी इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। बेटे अगर अकाउंट बनाना है किसी का भी, कैश का, वेजेस का, लैंड का, बिल्डिंग का, फर्नीचर का, मैं कह रहा हूं किसी का भी, तो ये तरीका, ये फॉर्मेट, ये भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। जल्दी से आप अपने रजिस्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें, मतलब पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें। एक तरफ लेफ्ट हैंड वाला पार्ट, बेटे डेबिट, देखो डेबिट लिखा मैंने, ये बेटे ये 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 दो हिस्से हो गए, ये आपके पेज के दो हिस्से हो गए, ये 50% इस तरफ रह गया और बेटे 50% इस तरफ। बेटे जैसे जंगल बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर बस वो डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा, खाली अमाउंट का फॉलम आएगा। आप पहले बना दीजिए, आप अपने पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, 50% यहाँ और 50% यहाँ। जो 50% यहाँ है उसको डेबिट लिख दीजिए और जो 50% यहाँ है उसको क्रेडिट लिख दीजिए। और पहली डेट, पहला कॉलम है, एक बच्चा कह रहा दिख नहीं रहा, डेट है बेटे तारीख पे। बेटे दूसरा पर्टिकुलर्स, सर दिख नहीं रहा, कोई नहीं बेटा, मैं बोलता रहा हूं ना साथ साथ, आप बनाओ ना रजिस्टर में। पर्टिकुलर्स, पहला कॉलम है डेट का, दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर्स का, बेटा तीसरा अभी तक मैंने बताया नहीं, लेजर फोलियो का है, छोटा सा चिन्नी मिन्नी, हाँ। और बेटे फोर्थ कॉलम है अमाउंट रुपीज का, बेटा रुपीज लिखना जरूरी है। इसका मतलब डेबिट साइड के अंदर चार लाइनें मारनी है। आप वो मत समझो जो आप सोच रहे हो लाइनें मारना, बेटे किसी को देखते रहना मतलब लाइन मारना,
मैं यहां पर आपको फुट्टे से रूलर से लाइन मारने की बात कर रहा हूं, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, इसी तरह से क्रेडिट साइड में बेटे ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है सर, ये टू टू अभी देखते हैं बेटे, टू टू क्या लिखा है, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो LF अमाउंट रुपीस। बेटे हम इंडिया में है ना, तो हम सारा काम रुपी के हिसाब से करेंगे, रुपी रुपी, डॉलर नहीं लिखने, पाउंड नहीं लिखने, यूरो नहीं लिखने, इटली के लीरा नहीं लिखने, स्विट्जरलैंड के फ्रैंक नहीं लिखने, चाइना का युआन नहीं लिखना, जापान का येन मत लिखना, पाकिस्तान का रुपया तो बिल्कुल ही मत लिखना, इंडिया का रुपया लिखो। और बेटे लास्ट में आप दोनों तरफ लिख दो, बैलेंस देख लेंगे, एक ही तरफ आएगा वैसे तो, अगर अगर यहां आएगा तो यहां जाएगा और यहां आएगा तो यहां जाएगा, ऐसे लाइनें ड्रॉ कर लीजिए। कैसे बनाते हैं अभी आएंगे, मैंने अभी तक मुख्य तौर पर एक बात का आंसर दिया है, व्हाई व्हाई वी प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स, बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द बैलेंसेस ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ accounts used in those transactions. So I have to classify, and for classifying मैं क्या करूंगा, cash 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 की transaction एक जगह ले आऊंगा, purchases 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 की transaction एक जगह ले आऊंगा, sales 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 की transaction एक जगह ले आऊंगा, furniture 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 की transaction एक जगह ले आऊंगा, और उनके खाते बना दूंगा, और उन खातों से मुझे पता चल जाएगा कि क्या पता चल जाएगा कि किसका कितना बैलेंस है। वो कैसे निकालते हैं, चर्चा का मुद्दा है, देखेंगे। आइए जी लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। आज बेटे मैं कोई प्रैक्टिकल नहीं कराऊंगा, जो जनरल एंट्री अभी मैंने दिखाई थी ना फर्स्ट क्वेश्चन में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसके पूरे खाते बना के दिखाऊंगा। तो आपको ये दोनों लेक्चर्स देखने बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि अभी खाली आप एक ही लेक्चर देखेंगे तो आपको 60% का ज्ञान प्राप्त होगा, आपको ये नहीं पता चलेगा प्रैक्टिकली बनाते कैसे। तो प्रैक्टिकली बनाने के लिए मेरा लेक्चर नंबर 2 देखना पड़ेगा लेजर अकाउंट्स का, जिसमें मैं वही वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जनरल एंट्रीज का मैं खाते बना के दिखाऊंगा। तो आइए एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, अकाउंट इज इंडिपेंडेंट इन नेचर। बेटे अकाउंट जो है इंडिपेंडेंट इन नेचर का है, और मैंने नीचे लिखा है जर्नल एंट्री इज नॉट इंडिपेंडेंट इन नेचर। अब एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली, उसकी ना उसकी 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 जो कमर है ना झुकी हुई थी, इसलिए उसकी एनर्जी फ्लो नहीं हो रही थी, बेटा को समझ नहीं आ रहा। बचपन से सुना हुआ आपने, आपके पेरेंट्स बोलते हैं सीधे होकर बैठो, कमर झुका के मत बैठो, सीधे 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 सीधे, अभी भी झुका के बैठते हो। लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं जी, आज लेजर अकाउंट का हमने चैप्टर स्टार्ट किया, ये स्टेप स्टार्ट किया, पहला लेक्चर है, और मैं अभी तक आपको इंपॉर्टेंस बता चुका हूं, और अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अकाउंट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब राम लाल का अकाउंट बनाना तो बस राम लाल के बनाना है, उसको बाकी किसी अकाउंट से लेना देना नहीं है। सोहन लाल का बनाना है तो बस सोहन लाल का ही बनाना है, उसको बाकी किसी अकाउंट से लेना देना नहीं है। कैश का बनाना है तो बस कैश का ही बनाना है, उसको बाकी किसी और चीजों से लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये जब किसी और से लेना देना नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट ना हुए। लेकिन अगर जर्नल एंट्री पास करनी है तो आप खाली डेबिट नहीं क्रेडिट भी करते हो, क्रेडिट नहीं डेबिट भी करते हो, इसलिए मैंने लिखा जर्नल एंट्रीज आर नॉट इंडिपेंडेंट बट लेजर अकाउंट आर इंडिपेंडेंट। बस बेटे आज मैं भूपेश आनंद अभी तक आज के लेक्चर में तो यही ज्ञान देने वाला हूं, मैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम जर्नल एंट्री से लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होता है, कैरी डाउन क्या होता है, टू क्या होता है, बाय क्या होता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, बैलेंसेस कैसे निकालते हैं, उन सभी बातों का ज्ञान मैं लेक्चर नंबर 2 में दूंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें मैं पहले क्वेश्चन जो भी दिखाया था उसी का प्रैक्टिकल करूंगा। जय माता दी, जय हिंद, भारत माता की जय।